याद है हम वर्कशॉप का नाम क्या रखेंगे? क्या? मासी ऑटोस। ज़बान को लगाम दो अपनी। मेरे सामने बैठ के मेरी माँ को मासी कह रही हो तुम? पागल हो गया, किस तरह बात कर रहा है? वो ठीक कह रही है, मैं हूं उसकी मासी। मासी माँ जैसी होर की। देखा मेरी माँ सी करो। हाँ बोलो फरीद, खामोश क्यों हो? ये मॉम का फैसला हो सकता है लेकिन मेरा नहीं। मैंने जब से ऑफिस ज्वाइन किया है, अकाउंट्स देखे हैं, मैं जानता हूं कि ताइबू ने मॉम केसेस से कभी एक पैसे की बेईमानी नहीं की। मैंने तुमसे अपनी ईमानदारी का सबूत नहीं मांगा, तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूं। फैसला मैंने सुना दिया है ताइबू, मैं खुद को आपकी सरपरस्ती से अलहदा नहीं करूंगा। तुम होते कौन हो फैसला सुनाने वाले फरीद? तुम्हारे पापा की वारिस मैं हूं, मेरे नाम है सब कुछ, और आखिर एक दिन अपना सब कुछ हमें ही संभालना है ना। आम जब ये वक्त आएगा ना तब देखा जाएगा। मैं अपनी बात पे कायम हूं असद भाई। तो फिर ठीक है, आपने जो करना है आप करें, लेकिन मैं आपका साथ नहीं दूंगा। मैं तायबू का ऑफिस ज्वाइन करूंगा, चाहे मुझे महीना सैलरी पे ही वहां काम करना पड़े। फरीद प्लीज, क्या हो गया आप लोगों को? अगर आप लोग इस तरह झगड़ेंगे तो बंटवारे का फायदा दूसरे उठा जाएंगे। देखिए पापा, फरीद यंग है, समझदार है। असद भाई अब अकेले रह गए, इनका बेइज्जती मैं देखूंगा। अगर आपको असद भाई पे भरोसा नहीं तो मुझ पे, फरीद पे। तो बात भरोसे या बेईमानी की नहीं है, बस मेरी एक शर्त है कि फरीद समीना को घर से निकाले, और शाजिया आपी आप एनजीओ की चेयरपर्सनशिप मुझे सौंप दें। ये नामुमकिन है। समीना कहीं नहीं जाएगी। ठीक है असद भाई, फिर बुला लेते हैं वकील। ठीक है। अरे असद भाई क्या कर रहे हैं, प्लीज रखें इसको। मुझे इनकी एनजीओ वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं है। फरीद तुम कुछ दिन के लिए अपनी बीवी को मैके क्यों नहीं भेज देते? ये नहीं हो सकता। अगर समीना अपने मैके गई तो हिना। हाँ देख लिया तुमने फरीद, समीना को असद भाई ने यरगमाल बना के रखा हुआ है ताकि हिना को आंच ना पहुंचे। समीना इनके नजदीक हिना की सलामती की जमानत है, और किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हिना की खातिर तुम्हें ये। आयशा मैं ठीक कह रही हूँ असद भाई, अपनी बेटी की गलती की सजा आप मेरे बेटे को दे रहे हैं? चलो फरीद। फरीद मेरी बात सुनो। फरीद इसे क्या हुआ? मैं देखता हूं। क्या हो गया आपको, बगैर सोचे समझे बोल देते? मुझे नहीं है समझ, जो मक्कारी और धोखेबाजी तुम दोनों बहनों में है उसकी समझ मुझे नहीं है। जाओ, तुम भी जाओ, जाओ। देख लिया फरीद, आज बात क्लियर हो गई ना, हिना के सर पे मोहब्बत का भूत सवार था, उसने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला के उस दो टके के मोटर मैकेनिक उस मासी के बेटे को अपना लिया, और खानदानी मुखालफत से बचने के लिए
इस जाहिल गवार लड़की को तुम्हारे पल्ले बांध दिया और असद भाई ने बतौर जमानत उसे सहारा दे दिया ताकि उनकी बेटी खुश रह सके, वो गवार लोग उसे दुख ना पहुंचा सके। मॉम, समीना मेरी बीवी है, मैंने अपनी मर्जी से इसे अपनाया है और अब आप लोगों की मर्जी की खातिर मैं इसे दरबदर नहीं कर सकता। सोच लो बेटे, तुम्हारे स्टेटस की बात है। अब आज तक तुम अपने किसी दोस्त की पार्टी में इसे नहीं ले जा सके और ना ही किसी दोस्त की फैमिली को यहां बुलाया तुमने, बस इसी शर्मिंदगी की वजह से ना कि ये तुम्हारे मयार, तुम्हारे स्टेटस और तुम्हारी क्लास से मैच नहीं करती। बस करें आपा फरीद, तुम समीना को लेकर जाओ। जाओ शाबाश। एक्सलेंट आपा, गुड। बस आप इसी तरह से अपने मौकों पर डटे रहिए, फिर आप देखिएगा कि हिना कितनी जल्दी इधर होगी और आपके इस लड़की से जान छुट जाएगी। बस इसी तरह से इसको सलील करते रहिए। ये ले। क्या है ये? जी, कपड़े यहाँ चेंज करके फ्रेश हो जाए। मुझे नहीं करना। कोई बात नहीं, मैं दोबारा प्रेस करके ले आती हूँ। रहने दो और मेरा दिमाग खाना बंद करो। जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ? अरे मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से यार, कहीं पे भी जाओ। सवार हो गया आगे। मेरा क्या कसूर है फरीद? तो मेरा क्या कसूर था? क्या कसूर था मेरा? कसूर तो हिना का है, जिसने मखमल में डांट का पैबंद लगा दिया। ओ मेरा खुदा यार, ये किस किस्म की उर्दू है? जी, मुहावरा है। क्या मुहावरा है? तुम्हें ये भी पता है कि मुहावरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हैं फरीद? आपकी मामा ने ठीक कहा था, मैं आपके मयार की नहीं हूं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं आपके आपके स्टेटस को नहीं छू सकती। आप मुझे मेरे घर छोड़ रहे, क्यों अपनी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं आप मुझे रखकर? मैं तुम्हें क्यों छोड़ के आऊं? तो फिर मैं खुद चली जाऊं। पहले मेरा कमरा साफ किया करो, फिर बाकी घर को साफ किया करो, समझ आई है? सुनो नजमा, सांप सो रहे हैं और वो देर तक सोएंगे, जब वो उठ जाए तो उन्हें चाय दे देना और मैंने साइड टेबल पे दवाई का डोज बना के रख दिया, वो उन्हें खिला देना। आप कहीं बाहर जा रही हैं बेगम साहब? हाँ, वो एक्चुअली मैंने एनजीओ के ऑफिस तक जाना है। मैंने अब ऑफिस ज्वाइन कर लिया ना बाकायदगी से, अब मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ। वहाँ पर मीटिंग्स होंगी, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, सेमिनार्स होंगे। वैसे भी ये घरदारी और घर पे बैठ के हुक्म चलाना ना फालतू और बेकार लोगों का काम है। आपने मुझे फालतू और बेकार कहा है ना? तुम्हें अगर मेरे साथ चलना है ना तो चलो, जलो नहीं ज्यादा। अब चले, मैं आ रही हूं। देखती हूं जाके कि क्या करती हैं ये।
तुम क्या मेरी शक्ल देख रही हो? बेगम साहब सामने तो देखें। ड्राइवर गाड़ी रोको। हमारी मांगे पूरी करो। पानी दो, पानी दो, पानी दो। हमारी मांगे पूरी करो। पानी दो, पानी दो। हमारी मांगे पूरी करो। पानी दो, पानी दो। हमारी मांगे पूरी करो। पानी दो, पानी दो। ये हिना है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? आपकी इज्जत का जनाजा निकाल रही है और क्या कर रही है? सड़कों पर एहतजाज, ये क्या हो गया इसे? तुम क्या कर रही हो? हमारी मांगे पूरी करो। पानी दो, पानी दो। मांगे पूरी करो। पानी दो। वीडियो बना रहे हैं असद भाई और फरीद को भेजूंगी और क्या करूं? पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। हमारी मांगे पूरी करो। फाइव स्टार होटल में डिनर है, पूरे शहर की जेंट्री आई हुई होगी, ये वहां जाके अपने हाथों से चबर चबर खाना खाएगी तो फिर क्या होगा? ये हिना पिकअप पे क्या कर रही है बैठ के? सुनो, ये पहचानती हो इन लोगों को? अरे ये तो अम्मा है, ये हिना और ये नानी, और ये सरवरी खाला और रुकैया खाला और इफ़त खाला, दुर्दाना और शम्मो भी हैं साथ में। मेरे ख्याल से ना ये सारे सीवीयू जा रहे हैं। हम सारे ना ईद के दूसरे दिन पैसे जमा कर कर ना चाचा रहमत की सुजुकी पे जाया करते थे। और दिखाए ना, मैंने आपसे कहा है ना फरीद, मैं कुछ भी कर लूं मगर आपके स्टेटस को नहीं छू सकती। आखिर तुमने इतराफ कर ही लिया। इतराफ नहीं कर रही, हार मान रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे ये सब कुछ इसलिए दिखा रहे थे कि मुझे मेरी औकात पता चल सके। तो चलें ऐसे ही सही, अगर मैं भी इन लोगों के बीच में शामिल होती ना तो आज बहुत खुश होती। शानो है ना, नाजिम के दफ्तर क्या करने आई है? पानी का मसला हल कराने आई हूँ कि और क्या? ड्राइवर पता नहीं कहाँ मर गया, चलो जाकर देखते तो हैं। हमारी मांगे पूरी हो गई। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून हिना भाभी से करवाना चाहते हैं जो अपने मोहल्ले के बिगड़ते हुए हालात को सुधारने का बेड़ा उठाए अपने घर से निकली। जी मैम, बताइए आप क्या सोचकर ये इखलाकी काम का हिस्सा ले रही हैं? मैं समाज के तमाम नाम निहाद खिदमतगारों और बड़ी बड़ी एनजीओ की आड़ में सस्ती शोहरत और जाती फायदा उठाने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि सोशल वर्क निमाइश नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत है। छूटी शान बान और शोहरत हासिल करने के लिए गरीबों की 2-3 रुपए से कोई मदद नहीं हो सकती, बल्कि ये तो नेकी का काम है और इसमें आपका रब भी आपका साथ देता है। अब देखें ना, आज हम सब इकट्ठे होकर अपने मोहल्ले में चेंज की पाइपलाइन ले चुके हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो आपको इस सोशल वर्क की तहरीक कहां से मिली? मुझे ये जरूरत मेरी सास से मिली।
मेरी मासी से। मेरी मासी कदम कदम पर मेरे साथ है। मुझे मुझे तो ये हौसला लोगों की नफरतों से मिला है जो गरीब इंसान को इंसान ही नहीं समझते। खुदा बेड़ा गर्क करे उन लोगों का जो जो गरीबों की इज्जत को नीलाम करके झूठे इल्जाम लगा के थाने तक पहुंचा देते हैं। पर कोई नहीं, अल्लाह भी तो है ना देखने वाला। खुदा उनको पूछेगा, उन लोगों को पूछेगा जो अपने नौकरों को अपनी मासियों को अपने गुलाम बना के रखते हैं। अल्लाह तो है ना देखने वाला। और आज मैं इस काबिल हो गई हूँ कि आप लोग मेरा इंटरव्यू रहे हैं, आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं, वो सब मेरी बहू हिना की वजह से हुआ है, जिसको आप हिना भाभी कहते हैं ना, कि मेरी बहुत लाडली बहू है। अगर आप लोग मुझे हिना भाभी की जगह हिना मासी कहें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में हिना मासी जैसी पुरअज़म खातून समाजी हलकों में अपना नाम कमा लेंगी। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ फिलहाल मुजम्मिल, एक्सप्रेस न्यूज़ कराची। हाय अब्दुल्ला, मुझे यकीन आ गया कि हिना मारी नहीं पूरे मल्ले की तकदीर भी बदल देगी। इंसान मासी, तकदीर इंसान अपनी तदबीर से बदलता है। हमें सब कुछ दूसरों के आसरे पर नहीं छोड़ना चाहिए, खुद से कोशिश करनी चाहिए। वैसे अम्मा जो कुछ भी हो रहा है ना, हिना के हौसले और कुर्बानी की वजह से हो रहा है। पता नहीं कब से अंधेरे थे यहाँ, अब हिना की वजह से रोशनी की किरण फूटी। हाय अब्दुल्ला, तू देखता ना ईमान से, ये ना वो जो बड़ा वाला अफसर था ना, उससे ये बातें कर रही थी और वो इससे अंग्रेजी में बातें करता, गिट गिट लगे हुए थे। मैं तो देख देख हैरान हो गई है। और इसने ना वो जो पुरानी नहीं थी लाइन, 6 इंच लंबी लाइन नहीं थी पानी के लिए जो लगाई हुई थी, टैंकरों को पानी मिलता था, वो भी ठीक करा दी। 15 साल हो गए, 15 साल से पानी नहीं आया। एक्सिन साहब ने लिख कर दिया है कि 2 घंटे के अंदर अंदर उस लाइन में वॉल्व लगेगा और पानी बहाल कर दिया जाएगा। नो, बड़ी खुशी हुई। दूसरी बात है अब्दुल्ला, पहले ना मुझे कोई मासी कहता था ना तो मेरे तन बदन में आग लग जाती थी, क्यों इसने मुझे मासी कहा। अब तो मुझे फखर होता है मासी कहलाने पे कि भाई मैं तो मासी हूँ। और फिर हिना की वजह से हुआ है ना ये सारा कुछ। और जो लोग मुझे हकीर तकीर समझते थे ना, वो अपने आप को खुद आज हकीर समझ रहे हैं। अल्लाह की कसम, मैं तो फखर से मेरा सर बुलंद हूँ। माशाल्लाह, बड़ी खुश हूँ, शुक्र अल्लाह का। तोबा तोबा, आज तो हिना ने हद ही कर दी। ये आयशा, तुमने मुझे कैसी वीडियो सेंड कर दी? हाँ हाँ, देखे ना, देखिए अपनी बेटी के कारनामे कैसे ओपन सुजुकी पे पूरे शारे फैसल पे गवार औरतों के साथ नारेबाजियां कर रही है। असद भाई, हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है और आप हंस रहे। पूरे शहर के न्यूज चैनल्स आपके बेटी की वीडियोस बना रहे हैं और आप, आपको वो सब नजर नहीं आ रहा है। किस पर चली गई है? सोशल वर्कर माँ की बेटी है, माँ पर गई है। असद, याद नहीं है जब तुम गरीबों में 100-100 रुपए बांटा करती थी तो सारा प्रेस बुला लेती थी? तो अब देखो तुम्हारी सोशल वर्कर बेटी क्या इंसानी हुकूक की जंग लड़ रही है, जबरदस्त। आप तो बस हर वक्त मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। अभी अभी तो मुझे चेयरपर्सन का ओहदा मिला है, क्या कहेंगे लोग? आपको अंदाजा भी है इस बात का कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मुझे? इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है भाई, वो सोशल वर्कर माँ की सोशल वर्कर बेटी है, तो ये लोगों से कहो ना कि देखो मेरी बेटी कितनी बड़ी सोशल वर्कर है। और आयशा, तुम तो बंटवारा चाह रही थी, अब शाजिया के साथ खड़ी हो। वाह, कमाल कर दिया भाई इस चेयरपर्सन के ओहदे ने, कमाल कर दिया। मासी, अब आप आराम से रहिएगा, लाइट नहीं जाएगी अब। मुझे तो सच्ची इतनी शर्म आ रही है ना, इतने बड़े घर की लड़की है, अपने कमरे में इसका पंखा चलता नहीं है और मुझे नवा पंखा लगवा दिया।
हाँ मैं हूँ बड़े घर की, और ये मेरा घर। खुश रहो, जीती रहे, सलामत रहे। अब्दुल्ला वो कार्ड्स और मफलेट्स बन गए होंगे, ले आए ना। ठीक है मैं ले आता हूँ, लेकिन बस आज तो मम्मा, कल से मेरी अगली वर्कशॉप होगी, फिर मैं आऊंगा और मेरी वर्कशॉप। अच्छा भाई ठीक। हाय हाय, अरे पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, अरे मीठा मीठा पानी, अरे ओ शानो, अरे रुकैया की अम्मा पानी आ गया, 15 साल के बाद पानी आ गया, अरे जल्दी आओ, ओ बिल्लो, ओ बिल्लो की वो रुकैया, अरे जल्दी आओ, पानी आ गया, पानी आ गया, जल्दी आ। हाय क्या हुआ अम्मा? अरे पानी आ गया, जल्दी आ जल्दी आ, ये देख पानी, पानी आ गया, हिना ने इन गवारों के घर जाके इन्हें बोलना सिखा दिया, अपनी हस्ती मिटा दी, उन जैसी बन गई। लेकिन ये तुम्हारी बीवी अभी तक शर्मिंदगी का बायस। मॉम, मैंने कुकिंग क्लास पे एडमिशन करवा दिया है ना, तो सीख जाएगी। अच्छा बस, अगर शह देने की जरूरत नहीं है, इसे आपे से ही बाहर हो जाएगी। ये कार्ड आया है, मिसेस किरमानी के बेटे की शादी है, मैं जरा मसरूफ हूं, तुम चले जाना। मिसेस किरमानी का बेटा, ठीक है मैं और समीना चले जाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? पहले इसकी वजह से कम रुसवाई हो रही है, जो मजीद करवाना चाहते हो। फाइव स्टार होटल में डिनर है, पूरे शहर की जेंट्री आई हुई होगी, ये वहां जाके अपने हाथों से चबड़ चबड़ खाना खाएगी तो फिर क्या होगा? खबरदार जो से इज्जतदार लोगों में लेके गए तो बस कर दें। खुदा का वास्ते बस कर दें, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, पत्थर की नहीं हूं मैं, समझी आप? मुझे अभी के अभी मेरे जैसे जाहिल और गवार लोगों के बीच में छोड़कर आए फरीद, ऐसी इज्जत आप जैसे इज्जतदारों को मुबारक हो। देखा तुमने इसे, देखा किस तरह से बात कर रही है जाहिल औरत? कोई तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने? हाँ नहीं है तमीज मुझे, मुझे अभी के अभी इसी वक्त मेरे घर छोड़कर आओ, बर्दाश्त की भी हद होती है। क्या 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 बर्दाश्त कर रही हो तुम? मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम अपने सर्कल से बाहर क्यों नहीं आती? और ना ही कभी आऊंगी। तुम लोग क्या हो, झूठे बनावटी? दुनिया के सामने तुम्हारी माँ और खाला मेकअप की तहे चढ़ाकर इंसानी हकूक की बातें करती हैं, और अपने ही घर में अपने लोगों के हकूक पमाल करती हैं। दुनिया के सामने मुंह टेढ़ा कर आधी अंग्रेजी आधी उर्दू बोलकर खुद को महजब कहलाती है, और अपने घर में गंदी जुबान इस्तेमाल करती है। ये है तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी ऊंची क्लास। शट अप, शट अप। तुम के जाहिल लड़की हो। हाँ हूँ मैं जाहिल, मगर तुम लोग तो पढ़े लिखे जाहिल हो। मैं कह रहा हूँ कि चुप कर जाओ तुम। नहीं करूंगी मैं चुप, आइंदा अगर मेरी माँ की गुर्बत की किसी ने तौहीन की ना, तो बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, एक टके की इज्जत नहीं करूंगी मैं किसी की। इज्जतदार नहीं तो क्या हुआ? तुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारी खाला भी इज्जत के लायक नहीं है, झूठे बनावटी लोग। समीना, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा फरीद।
कल मैं और अम्मा ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में जाएंगे, ये पंपलेट्स लेकर और खाना लेकर। इतना ज्यादा खाना बनाओगी कैसे? कुछ तो अम्मा अभी बना रही है, कुछ फजर के टाइम उठ के बना लेंगी। मैंने सारे बॉक्सेस मंगवा लिए थे रहमत चाचा से, और सुजुकी भी हायर कर लिए। वैसे मैंने तुम्हारी एक बात नोट की है, तुम्हें एक लम्हा भी ना चैन नहीं है, हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा सोचती रहती हो। मैं बस आपकी और अम्मा की तरक्की देखना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि बहुत जल्द आपको इज्जत के साथ मामा पापा के सामने ले जाके खड़ा कर दूं। यानी कि तुम ये बात साबित करना चाहती हो कि इस दुनिया में इज्जत सिर्फ और सिर्फ दौलत की होती है? नहीं, मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि गरीब इंसान भी अपना वक्त बदल सकता है, पुख्ता इरादे से और मेहनत के साथ। फरीद की जबान तो इंसाफ की बात करते हुए लड़खड़ाती है, मगर तुम मैदाने जंग छोड़कर क्यों भाग रही हो? सेहत से कोई जंग नहीं जीती जा सकती। देखो, सारी जिंदगी हमने एनजीओ को दे दी, जो कुछ लगाया अपना ही लगाया। अब देखो ना, सारे फंड्स मेरे हाथ में हैं, बाहर से आने वाले डॉलर पाउंड्स की एड भी मेरे हाथ में। आप ये मुझे सब क्यों बता रही हैं शाजियापी? मैं बता नहीं रही हूँ तुम्हें, तुम्हें शरीक करना चाहती हूँ। 40% खर्च करेंगे और 60% हम दोनों का आधा आधा। रियली? हाँ, तुम चाहे तो लिखवा लो मुझसे। नहीं, भरोसा है मुझे आप पे। तो बस फिर ठीक है, हमारे सारे इख्तलाफात खत्म। बल्कि मैं ये सोच रही थी कि नीचे का ड्राइंग डाइनिंग को ना हम ऑफिस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब रोज रोज इतनी दूर ऑफिस जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपकी मर्जी। तो इसका मतलब है वक्त हमारे हाथ में आ गया आपी? हम एनजीओ के बैनर तले फैशन शोज करवा सकते हैं, फलाई शोज करवाएंगे, भारी भारी टिकट लेंगे, आधी रकम एनजीओ के फंड में, आधी रकम हमारे अकाउंट में, रकम भी हमारे हाथ में, और शोहरत और हमारी साख भी बन जाएगी आपी। इसीलिए तो तुम्हें शरीक किया मैंने कि तुम्हारे पास आइडियाज बड़े कमाल के। मजा ही आ गया ये तो। हाय, अब उस मासी दादी को तो देखें, उसे कहें किचन में जाके काम संभाले, असद भाई आते होंगे खाना मांगेंगे। अच्छा अच्छा, उसे भी देख लेती हूँ। चलो आपी। देखो, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम जाके मामा से माफी मांगो। माफी मांगती है मेरी जुत्ती, समझे? मुझे इज्जत दो या निकाल दो इस घर से। क्या हो रहा है सब? तुम जाओ, जाके किचन में जाके खाना बनाओ। खाना मेरा बस चले ना तो आप लोगों को जहर दे दो। खाना तो मैं जरूर बनाऊंगी, मगर सिर्फ अपने लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आप तो मेरे मुंह ना ही लगे। अगर आप मेरे मुंह लगे ना तो एक मिनट में आपका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी मैं। फरीद, तुम क्या खड़े सुन रहे हो? इसका हाथ पकड़ो, निकालो यहाँ से इसे। मैं तो कह रही हूँ कि छोड़ा मुझे मेरे जैसे जाहिल गवार बेइज्जत लोगों में, बाज आई मैं आप जैसे इज्जतदार लोगों से, झूठे मुनाफिक कहीं के ना हो तो। तुम क्या बैरे हो गए हो फरीद? नहीं, ये अंधा भी हो गया है। इतनी जाहिलों वाली असलियत दिखा रही हो, तुम खड़े सुन रहे हो? ये भूल गई है कि बरसों इसकी माँ ने मेरे घर के बर्तन मांजे, और आज ये मेरे मुंह को आ रही है। आज आपकी बेटी मेरी माँ के बर्तन मांज रही है। देखा वक्त का इंसाफ, अब चुपचाप यहाँ से चली जाए, वरना ऐसा ना हो कि वक्त का अजाब आपको भी सहना पड़ जाए। ये लड़की पागल हो गई है। तौबा, हद हो गई मेरी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। गॉड, आपी
अब क्या किया उसने? वो लड़की हमारी जान लेकर छोड़ेगी और तुम्हारा बेटा बुत की तरह उसके सामने खड़ा हो जाता है। तुम उससे कहो कि अभी के अभी उसे तलाक दे। किसे तलाक दिलवा रही हो? असद, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। जिस लड़की को आप ब्याह कर लाए हैं ना, वो वहशी हो गई है। असद भाई, लड़ रही है, मार रही है, बस बहुत हो गया। अगर आपको उसको यहाँ रखना है तो रखिए, मैं और आप ही जा रहे हैं इस घर से। जीरक, वो क्या हुआ उस घर का, कब्जा मिला कि नहीं? अभी क्या हो गया, ये आपका अपना घर है, इसको छोड़ के कहाँ जाएंगी आप? वो लड़की बहुत खतरनाक हो गई है, अपनी माँ से भी ज्यादा खतरनाक। उसकी माँ ने तो इस घर का शहराजा बिखार के रख दिया था, लेकिन लेकिन वो लड़की तो हम सबको बर्बाद कर देगी, है ना? जो हर महीने नई गाड़ी बदलती थी, आज उसको किराए की सुजुकी में बैठना पड़ रहा है। और उसने हिना को मासी बनने पर मजबूर कर दिया है। मैं बता रही हूँ सब लोगों को कि वो हमें हमें नहीं जीने देगी इस तरह। आप बहुत परेशान हो। कुछ नहीं होगा, क्या हो गया आपको? परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। शुक्र है आज असद भाई को गुस्सा तो आया, आज खबर लेंगे उस लड़की की। मुझे छोड़कर आ रहे हैं या मैं खुद चली जाऊं? नहीं, मैं तुम्हारे मोहल्ले में नहीं जा सकता। तुम्हारा मोहल्ला और वहां के लोग अमन पसंद नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है मुझे। आपको अपने ही घर में सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? क्या मसला है समीना? मसला मैं हूं अंकल, ना मुझे इज्जत रास आई है और ना ही मैं इज्जत आ लोगों को हजम कर पाई। मैं जाहिल हूं, गंवार हूं, इसलिए अपने लोगों में वापस जाना चाहती हूं। सुबीना, प्लीज, आंटी और मामा के बाद अगर तुमने तायबू के साथ बदतमीजी की ना, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोलने दो इसे फरीद। हाँ बोलो सुमीन। ये तो डरपोक है, मेरे मोहल्ले वालों को दहशतगर्द समझते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप ही मुझे ब्याह कर लाए थे ना, तो आप ही मुझे वापस छोड़ कर आए। इसका मतलब है तुम भी बुजदिल हो। फरीद की जबान तो इंसाफ की बात करते हुए लड़खड़ाती है, मगर तुम मैदान जंग छोड़कर क्यों भाग रही हो? सिलत से कोई जंग नहीं जीती जा सकती, और आपके घर में मुझे सिवाय जिल्लत के कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा तुम ऐसा करो कि एक हफ्ते के लिए यहां रुक जाओ, और वैसे ही जैसे तुम रहना चाहती हो, उसके बाद अगर तुम जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊंगा। ठीक है, मगर मैं उसके बाद किसी की भी नहीं सुनूंगी। कोई मुझे एक सुनाएगा ना तो मैं 10 सुनाऊंगी, और घर के किसी कामकाज को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इनकी मामा और शाजिया आंटी भी नहीं लगाती। खाना बनाऊंगी मगर सिर्फ अपने लिए, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है अंकल कि ये लोग मुझे इज्जत से खाना तक भी नहीं देंगे। समीना, अब तुम ज्यादती कर रही हो। इस घर के बड़ों की इज्जत तुम पे फर्ज है। जो लोग मुझे इज्जत नहीं दे सकते ना, मैं भी उनकी इज्जत नहीं कर सकती। तुम मेरी खातिर एक हफ्ते के लिए यहां ठहर जाओ, फिर आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मगर एक हफ्ते का मतलब है कि एक हफ्ता। इसके बाद मैं किसी की एक भी नहीं सुनूंगी अंकल, आपकी भी नहीं, क्योंकि आपने मुझसे जो वादा किया था वो झूठा किया था। आपने मुझसे सबर करने को कहा था, मगर ये नहीं कहा था कि मुझे सारी जिंदगी सबर करना होगा। हद कर दिया इन लोगों ने, इंसान को इंसान ही नहीं समझते ये लोग, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है इनकी नजर में।
अल्लाह पाक की नजर में सब इंसान एक बराबर है, ना कोई नौकर ना कोई मालिक। और मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हज नहीं पढ़ा कभी। आप हंस रहे हैं? नहीं, पढ़ा तो जरूर होगा मगर भूल गए हैं शायद। अच्छा बेटा खुश रहो। अच्छा मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो किस तरह लपकी थी मेरी तरफ। वो मजाल है जो फरीद ने एक लफ्ज ही बोला। अभी वो सहम गया होगा ना, उसने जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी होगी। लेकिन शानू बिल्कुल ऐसी नहीं थी, वो तो सर झुकाए बैठी होती थी जब मैं उसे डांटती थी। और अगर उसके दिल को कोई बात बुरी भी लग जाती थी तो वो कहती थी बेगम साहिबा और खामोश हो जाती थी। आपने उसे घर से निकाला कि नहीं? खाना लगाओ जी। खाना लगाओ, समझ नहीं आई मैंने क्या कहा? खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई किचन में आने की? कल रात तो तुम कह रही थी किसी के लिए खाना नहीं बनाओगी। हाँ तो अभी अपने लिए बनाए। क्या ये पराठे, ये मक्खन, इतने अंडे, ये सब तुम खाओगी? क्यों, आपको कोई एतराज है? अच्छा जल्दी से ठूसो और सबके लिए नाश्ता बनाओ। ये गरम गरम अंडे देख रही है? हाँ मुंह पर छाप दूंगी अगर मुझे कोई हुक्म दिया तो। नहीं जाओगी, गाड़ी लेके जाओ ना। एहसान नहीं चाहिए मुझे, रिक्शे पर चली जाऊंगी। माय गॉड, तो ये मेंटालिटी जो है ना ये बदली नहीं जा सकती है। बदलनी भी नहीं चाहिए फरीद, वरना इंसान अपनी पहचान खो देता है। ये तो वही खातून है ना जिन पर जी मैं वही हूँ जिस पे चोरी का इल्जाम लगा था। मैं हिना की सास हूँ, मासी हूँ हिना की।